बॉलीवुड 2023 में बॉक्स ऑफिस कलेक्शन इस साल अगस्त का महीने फिल्म इंडस्ट्री के लिए बहुत ही लकी साबित हुआ। गदर 2, ओएमजी 2 और ड्रीम गर्ल 2 समेत कई बड़ी फिल्में रिलीज हुई। टॉलीवुड मूवी में जेलर, भोला शंकर और थिएटर दर्शकों से सिनेमा घर में तगड़ी कलेक्शन की। कुछ फिल्मों ने सक्सेस के बारे में रिकॉर्ड तोड़ दिए, खासकर गदर 2। एक के बाद एक रिलीज हुई फिल्मों ने जमकर कमाई की। आइए आपको एक एक करके साल 2023 के अगस्त में रिलीज हुई फिल्मों के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में बताते हैं। पहले मैं आपको बता दूं कि आपके लिए बॉलीवुड की ऐसी इन्फॉर्मेशन लाता रहता हूं, इसलिए सब्सक्राइब कर दो, जल्दी से कर दो। कर दिया ना, ओके। आप लोगों ने गदर 2 और ओएमजी 2 ने देखी होगी शायद। सनी देओल की गदर 2 से अक्षय कुमार की ओएमजी 2 और ड्रीम गर्ल 2 जैसी सीक्वल फिल्म है। इन सब की कमाई को मिलाकर बॉलीवुड ने अगस्त में कुल 1260 करोड़ रुपए का बिजनेस किया है। सबसे पहले बात करते हैं गदर 2। रिलीज डेट 11 अगस्त को हुई थी, जिसने इंडिया में 490 करोड़ रुपए की कलेक्शन की। जब वर्ल्ड वाइड कलेक्शन की बात करें तो 631 करोड़ रुपए की शानदार कमाई करके बॉलीवुड इंडस्ट्री में अपना अहम योगदान दिया। वही ओएमजी 2 11 अगस्त को ही रिलीज हुई थी, उसने इंडिया में 141 करोड़ की शानदार कमाई की। वर्ल्ड वाइड कलेक्शन की बात करें, ओएमजी 2 ने 336 करोड़ रुपए का बिजनेस किया। आपने कई सारी वीडियो देखी होगी, घुमा फिरा के कलेक्शन बता रहे होंगे। मैं आपको इधर सीधे लाइव एक मंथ की कलेक्शन बता दी, तो आप अपने हिसाब से देख सकते हो किसने बाजी मारी है। अब बात करते हैं दूसरे फिल्म अगस्त के महीने में रिलीज हुई। अगस्त में करण जौहर की फिल्म रॉकी और रानी प्रेम कहानी 29 जुलाई को रिलीज हुई, लेकिन फिल्म ने अगस्त के महीने में जबरदस्त बिजनेस किया। इंडिया में 150 करोड़ रुपए के और वर्ल्ड वाइड 336 करोड़ रुपए का कमा लिया। आयुष्मान खुराना की ड्रीम गर्ल 2 भी 25 अगस्त को रिलीज हुई। 7 दिनों के अंदर फिल्म ने 89 करोड़ रुपए का कारोबार किया। इसी तरह बॉलीवुड अगस्त में कुल 1260 करोड़ रुपए का बिजनेस कर ले। ऐसे में कहा जा सकता है कि अगस्त का महीना हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के लिए शानदार रहा। ये थी बॉलीवुड के बारे में। अब बात करें टॉलीवुड कलेक्शन की बात करें तो साउथ में सबसे बड़े सुपरस्टार की फिल्म आई थी 10 अगस्त को जेलर, जिसने 579 करोड़ वर्ल्ड वाइड कलेक्शन किया था। इंडिया में 390 करोड़ की कलेक्शन की थी। रजनी सर की मूवी को प्रमोशन करने की कोई जरूरी नहीं है, सिर्फ उनका नाम ही काफी है मूवी को हिट कराने में। अब दूसरी फिल्म भोला शंकर, साउथ के चिरंजीवी सर की वर्ल्ड वाइड 42 करोड़ करी थी, इंडिया में 36 करोड़ की कलेक्शन की। क्योंकि काफी हिट फिल्में आई थी इस महीने में, इसलिए ये ज्यादा कलेक्शन नहीं कर पाई। पूरे महीने में गदर 2 सबसे ज्यादा कलेक्शन के मामले में सामने आई है। इसी के साथ डी एंड करते हैं। ऐसे ही कलेक्शन वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को लाइक करते जाओ। आप देख ही सकते हो बहुत ही कम लोग सब्सक्राइब करते हैं, तो प्लीज सपोर्ट करो अपने छोटे भाई को। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप ये वीडियो देखें।